महाराष्ट्र में पानी को लेकर सियासत तेज, लातूर दौरे पर गई पंकजा मुंडे की सेल्फी पर विवाद। लातूर में हेलीपैड के लिए पानी के इस्तेमाल पर भी शिवसेना ने सरकार को घेरा, सामना ने राजस्व मंत्री पर साधा निशाना। हेलीपैड के लिए 10,000 लीटर पानी की बर्बादी पर महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने दी सफाई, कहा हेलीपैड के लिए गंदे पानी का हुआ था इस्तेमाल। शराब कंपनियों को पानी की सप्लाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा डिवीजन कमिश्नर और कलेक्टर के को आदेश दिए, हालात देखकर करें फैसला। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर सड़क हादसा, सूमो ने I-20 कार को मारी टक्कर। सूमो में सवार थे 7 लोग, हादसे में जख्मी एक शख्स की मौत। मुंबई में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग की खबर, एक दमकल गाड़ी और वाटर टैंकर मौके के लिए रवाना। मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक सुबह 8:15 बजे मिली आग की खबर, एसी की वजह से लगी आग। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मीरा रोड स्टेशन पर रविवार को झाड़ू लगाते दिखे 8 युवक, मारपीट के मामले में सभी को सुनाई गई अनोखी सजा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग, पानी के लिए किसानों ने सूखे कुएं में उतर कर किया आंदोलन। शिरडी के साईं मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे पर फिर भड़के शंकराचार्य, भक्तों के लिए दान को ब्लैक मनी ठहराकर खड़ा किया विवाद। रामनवमी पर 3 दिवसीय उत्सव के दौरान साईं पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, भक्तों से नकदी के रूप में 2,83,00,000 मिले। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, 70 किलो वजन कम करने को लेकर लगातार सुर्खियों में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना के बाद बीजेपी की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन, 550 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती दिलीप कुमार की सेहत में सुधार, पत्नी सायरा बानू ने शेयर की तस्वीरें। सोहा से तलाक की खबरों पर अभिनेता कुणाल खेमू ने ट्वीट कर जताई कड़ी प्रतिक्रिया, लोग बेमतलब की उड़ा रहे हैं खबर। मुंबई की जगह जयपुर में खेले जा सकते हैं मुंबई इंडियंस के IPL मैचेस, हाईकोर्ट ने दिए थे मैच रद्द करने के आदेश। मुंबई इंडियंस ने जयपुर को अपना होम ग्राउंड बनाने के लिए BCCI को भेजी चिट्ठी। IPL में आज मुंबई इंडियंस का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला, 8:00 से हैदराबाद में खेला जाएगा मैच। अब तक अपने 3 मैचेस में केवल 1 मैच में जीत पाई है मुंबई की टीम। क्विंटन डी कॉक की 108 रनों की शानदार पारी की बदौलत दिल्ली ने बैंगलोर के जबड़े से छीन ली जीत, 5 गेंद पहले ही हासिल किया 192 रन का विशाल लक्ष्य। अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए रोज लेने होंगे कम से कम 100 फेरे, करीब 1,00,000 यात्रियों के सफर से पूरा होगा खर्च, 1,500 रुपए किराया रखे जाने की सिफारिश। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली बढ़त, हरे निशान के साथ हो रहा है कारोबार। गुजरात के महसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरू आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महसाणा के DM ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।